निवारण करना चाहता है। कर सकता है प्रभु, आपका बिना सब कुछ कर सकता है, फिर भी आपका बिना प्रभु कुछ करना नहीं चाहते है ना। इसलिए आप लोग प्रभु के इस्तेमाल के लायक होने का अपने को तैयारी रहना। आपके दुआ के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा लोग आश मिलेगा तो धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद दे दो। आपके 10 रुपया के द्वारा, आपका पैसा के द्वारा किसी को आश मिलेगा धन्यवाद दे दो, है कि नहीं। आपके कपड़ा के द्वारा लोगों को ठंडा वाले गर्म मिलेगा वो भी धन्यवाद दे दो, है कि नहीं। अपने शिशु को प्रभु के बलिदान करे। अलुक मती अध्याय 25 को पढ़ेगा तो आप देख सकती है, जब मैं बीमार था तुम मेरे क्या, जब हॉस्पिटल में था तुम मुझे देखने आए थे, जब मैं क्या है कपड़ा नहीं था तुमने मुझे कपड़ा दिया, मैं भूखे था तुमने मुझे खाना खिलाए थे, जब प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाए थे, है ना। और लोग प्रभु मैंने आपको कभी प्यासा में दिखा नहीं है, मैंने आपको कभी हॉस्पिटल में दिखा नहीं है, मैंने आपको कभी आपको नंगा में दिखा नहीं है, मैंने आपको कभी भूखा से मैंने आपको दिखा नहीं है, तुमने ऐसा क्यों कहा। यीशु ने क्या जवाब दिया समय में जानते हो, यीशु ने क्या जवाब दिया था, एक छोटे में से तुमने किया है जो मेरे ऊपर आपने किया है। हालेलुया, इन छोटे लोगों से तुमने किया है वो मेरे ऊपर किया है। समझ आ रहे ना, एक दूसरे को मदद करना मत सोचना संगम को बहुत मदद की, मैंने मदद किया न, संगम को मैंने प्रभु के ऊपर किया है कि नहीं। इसलिए एक दूसरे को मदद करना विश्वासी को सीखना बहुत जरूरी है। संसार ये नहीं सिखाता, संसार से मेरा पेट भर जाए चाहे मेरा पड़ोसी भूखे मर जाए कोई मतलब नहीं, प्रभु ऐसा नहीं सिखाता है ना। हम लोग माने ना माने हमें प्रभु की बात को मानना है, ये आपके आशीष के। आमेन। इसलिए यीशु मसीह भी ऐसा सेवा किया है, ऐसा नहीं, यीशु मसीह भी ऐसा सेवा किया, स्वर्ग छोड़कर जगत में आया है हमको बचाने के लिए, ऐसा नहीं। इसलिए हम वचन को सुनते रहना, पढ़ना भी आए तो सुनते रहना, सुनना भी अच्छा है पढ़ना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। प्रभु ने कान दिया है सुनने, आंखें दिया है देखो, पढ़ सकता है तो पढ़ो, जितना प्रभु का ज्ञान होगा आपके लिए आशीष है। क्रिसमस हम कहते हैं ना दान ले लेते हैं, आपके दान के द्वारा अच्छी तरीके से क्रिसमस बन जाएगा तो अच्छी बात है। क्रिसमस तो बाइबल में नहीं लिखा है तुम मेरे क्रिसमस बनाओ, लिखा है बाइबल में नहीं लिखा है ना। फिर भी क्रिश्चियन लोगों ने या विश्वासी लोगों ने बहुत धूमधाम से ये त्योहार को मनाता है, ये हमारे तरफ ही है ऐसा नहीं। क्यों प्रभु ने इतना मेरे उपकार किया, भजन संहिता में लिखा ना यहोवा ने मेरे इतना उपकार किया उसके बदला में क्या दू। ऐसा नहीं, जिन लोगों ने प्रभु के बारे में जानता है, जिन लोगों ने प्रभु को सही से देखा और जानता और सुनता है वो प्रभु के सामने घुटने टिकता है। आमेन। आप प्रभु के बारे में जानोगे ना, एक संदेह चर्च में ना आने में आपका मन में डर लग जाएगा, मतलब क्या बोलते थरथराएगा, घबरा हुआ मैं आपकी क्यों क्यों चर्च में नहीं गया। समझ आ रहे ना, सच में मैं सच मैंने आपसे प्यार किया, वो प्यार को आप महसूस करोगे तो मेरे लिए सेवा करना मुश्किल नहीं होगा। समझ आ रहे ना, रास्ता मिलेगा जे मसीह करना भी, जे मसीह ना करने का तो करना आपके लिए खुशी होगा, नहीं करेगा तो अरे अब वो भैया को मैंने मिला वो जे मसीह मैंने क्या मेरे गलत किया, सोचेगा ना। ऐसा ही आप यीशु मसीह और परमेश्वर के बारे में जानोगे या परमेश्वर का आराधना ना करना आपके लिए दुख की बात होगा। ऐसे मेरे भाई बहनों आप परमेश्वर की महिमा को देख लो, पहचान लो, जान लो। मैं बार बार चर्च में आने के बोलने के जरिए हमारा अंकल जी मर गए थे, मैं उसको लाश छोड़ने के लिए गए थे, उसने कहा दस बान के बारे में चर्च में प्रचार किया, उसने दस बान के बारे में प्रचार करने की जरूरत नहीं है,
लोग प्रभु के बारे में जानेगा ना, अपने आप दे देगा, है ना। लोग प्रभु के बारे में जानेगा तो क्या होगा, अपने आप दे देगा। दान भी ना मांगने की जरूरत नहीं है। कल मैंने हरि विहार मैंने कहा था तुम लोग बहुत लालची हो। मैंने कहा भगवान भी तुम्हारे पास एक नहीं है, इतना हजारों तुमने रखा, एक को बात कर वो आगे दूसरे को मानूंगा। इंसान के मन इतना लालची होता है ना, लालची लालची बोलते हैं ना, बहुत लालच है। एक शादी होते दूसरा भी फिर चाहत हो जाता है इंसान के मन में। हम कैसे प्रभु को मानते हैं, है ना, किस लिए प्रभु को मानते हैं। बहुत लोग में क्या प्रभु को नहीं मानते, अपने मन को मानते हैं, अपने मन को, अपने सोच को मानते हैं। हम लोग तो अपने सोच नहीं, प्रभु को माने। आमीन। प्रभु को माने, प्रभु आपको आशीष देगा, प्यार करेगा वो। उसका नाम प्यार है, उसका नाम है परमेश्वर प्यार है, प्रेम लिखा ना उर्दू भाषा में, प्रभु या खुदा ही मोहब्बत कहता ना वो, उसका नाम मोहब्बत है। आपसे मोहब्बत करेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपसे प्यार करेगा, उसका नाम प्यारी है। प्रभु आपसे क्यों प्यार करता है, लोगों ने, मैं पापी थी, मैं पापी था, आपका पाप होने से वो प्यार नहीं है, उसके नाम प्यार है इसलिए आपको प्यार करता है। हमें उसी के नाम प्यार है इसलिए आपको प्यार करता है, इसलिए वचन को जाने। प्रभु सच्चाई वचन है, परमेश्वर का गुण है, प्यार है, इसलिए हम सिर्फ प्यार करते हैं। तो प्यार कौन कौन देख सकता है, प्यार कौन कौन देख सकता है, प्यार देख सकता है, किसी 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 कितना मोटा होता है, क्या बताइए, ऐसा नहीं दिखेगा मेरे ब्लॉग देखिए, बताइए कितना मोटा कितना बड़ा अच्छा है, बताइए बता सकते हैं प्यार नहीं, प्यार तो सब में होता है, देख नहीं सकता है ना, जो देख सकता है नहीं ना, देखेगा सही बता देना, ठीक है, प्यार नहीं देख सकता। फिर भी हम क्या है, प्रभु अपने प्यार को दिखाने के लिए क्या है, मान लो किसी से प्यार करने के लिए, जवान लड़की लड़का भी प्यार करने के फूल देता है ना, फूल में प्यार तो नहीं है, वो फूल है फिर प्यार को समझने के लिए। मेरे दोस्त के था, वो पंजाब की थी, उसके लड़का ने बीबी को, बीबी को शादी थी, उसकी शादी थी, पंजाब के रहने वाले थे, हम लोग टीचर्स करने के, वो उसके बीबी मेरे साथ क्लास लेते थे, वो देखने के लिए आई थी। 6 महीने के बाद उसका पति आए थे, उसने ताजमहल का, ताजमहल जानते हो ना, उसका वो छोटी सी वो बुक्स में लेके आया, तो क्या लेके आया है, मेरे मन की ताजमहल पे आपको देता है बोला है। देख फल तुम्हें क्यों पैसा खर्च करते हो, जो तूने कमाया वो हमारा घर के लिए है ना, और प्यार किया आपके लिए मेरे लिए, इसमें क्या है, और मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझसे प्यार है तो मैं आपसे प्यार कर दिखाने के, मैं ताजमहल के छोटी सी, चलो वो कुछ लेना चाहते प्यार को दिखाने के ना, मैं बुरी नहीं कहता उसको, मैंने दीदी क्यों स्वीकार करो ना, आपका पति इतना प्यार करेगा तो ले लो, क्या बात है, और कब आएगा इसमें, ज्यादा से ज्यादा 200-300 की होगा। हाँ बहुत ठीक है, इससे अच्छी देते अपने बच्चों के, आज अच्छी होता है। अरे दीदी ज्यादा बात मत करो, आप स्वीकार करो, आपके पति ने 6 महीना तक आपका पति मुलाकात नहीं हुआ, आपको बहुत याद किया है और देखने आए तो तब उसने ले लिया। तब परमेश्वर के प्यार को देखने के लिए प्रभु ने क्या कर दिया है, इस जगत में कौन आया है, यीशु मसीह। परमेश्वर का प्यार वो, हम प्यार हम कहते हैं यीशु मसीह में है। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्यार को असली रूप में दिखाई देने पर वो यीशु मसीह में है। बाइबल क्या कर, मृत्यु तक उसने सहन लिया, आपके लिए मर लिया प्यार से, आपसे कुछ भी नहीं मांगता है, वो अपने आप को उसने बलिदान किया है। समझ आ रहे ना, आगे प्रभु से प्यार कर, ऐसा तो आपने नहीं कहा है ना, आप प्रभु को भी जानता नहीं ना,
मेरे प्रभु आपसे प्यार करता है, उसने आपका जन्म होने से पहले 2000 पहले यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया है। आमीन। ये परमेश्वर का प्यार है यीशु मसीह, परमेश्वर का प्यार जो संसार में प्रकट हुआ है पहली व्यवस्था के द्वारा। परमेश्वर का प्यार को सुना करते थे, जाना करते थे। जो असली में परमेश्वर के प्यार को इस दुनिया में आया है वो यीशु मसीह है। समझ आ रहे ना? मेरे भाषा को समझ सकते हो? नहीं सबने सुना है ना? समझना चाहिए भाइयों बहनों, समझना चाहिए। यीशु मसीह है तो प्यार, समझ आ रहे ना? यीशु मसीह है तो प्यार। सच में आप सोचो आपका मन कैसे, अपने आप को परख लो। यीशु ने क्या कहा, मुझे स्मरण क्या करो? क्या सच में यीशु मसीह को स्मरण करते हो? नहीं करते हैं। मैं जानता हूं स्मरण का मतलब क्या होता है, हमेशा याद करना, वो स्मरण कहता है हिंदी में, है ना? या तो कभी कभार याद होता है तो हिंदी में स्मरण इस्तेमाल करेगा तो कभी मिटता नहीं, हमेशा उसको याद करना वो स्मरण होता है। तो इन्हें स्मरण भी बोलते हैं, है ना? स्मरण भी बोलता है वो स्मरण कहते हैं। ईश्वर ने क्या कहते, स्मरण किया करो, हम तो भूल जाती है। सच में बाइबल पढ़ना भी भूल जाती है ना? सही बात है ना? आशीष पाने के लायक तो नहीं है। सही बात है ना? जब परेशान होता है कि प्रभु क्या है, हम प्रभु के लोग किसी के पास चला जाता है, फिर भी प्रभु हमको नहीं छोड़ता। आमीन। उसका प्यार ना गट्टा ना गट्टा नहीं, उसका प्यार कभी गाटा नहीं होता उसको। वो उसका नाम प्यार है, वो प्यार में देखभाल करते रहो प्रतिदिन प्रतिदिन, हर पल में प्रभु उनको प्यार को दिखाता है। आप महसूस कर सकते हो, सोचो अभी अभी आशीष पाया क्या, अपने गुण और जो आशीष पाए वो तोड़ दो, बराबर है। मैं तो कहता हूँ वो मैंने आशीष पाया है ना, वो तो आसमान है, मैं तो धरती हूँ, लाइक नहीं हूं, फिर मुझे आशीष मिला है। मैं भी तो कह रहा था क्या आराम आराम, वो देखो कल भी मैंने कहा था, गवे बताए थे ना, मैं नहीं जानता था कौन है, फिर भी उसने मुझे मदद किया। प्रभु ने अपने दूतों को भेजा है, इसका मतलब क्या है, मैं प्रभु मुझसे प्यार करती है ताकि जहां मैं संगति में जाना है वो टाइम भी 10 बजे है, फिर भी 4 मिनट लेट हुआ, 4 मिनट तो कोई मतलब नहीं होता है ना। प्रभु ने मुझसे प्यार किया, मुझे किसी को इस्तेमाल कर प्रभु ने उधर तक पहुंचा दिया। आमीन। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ नालायक को प्रभु लायक बना दिया, सच में आपको आशीष पाने का लायक है। हमारा अंकल जी पूछे सबसे बड़ा उम्र के लिए, हमारा भाई रामदास भी है, हमारा भाई गोवर्धन भी है, पूछे कि अंकल कितना उम्र है, कितना उम्र की है अंकल जी बताइए? 74। 74 जीने का तुमने अच्छा क्या काम किया बताओ, कोई अच्छा काम किया? कोई अच्छा काम किया नहीं किया ना? जीवन का मालिक कौन है? परमेश्वर है ना, मालिक वही है, मृत्यु भी उसमें है, फिर भी आशीष दिया है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा कर्म नहीं है, उसी के दया में है। आमीन। उसी के दया में हमें आशीष मिला है, दया में कीमत नहीं होता। मेरे भाई मेरे परमेश्वर आप पर दया करता है, प्रेम करता है, इसलिए वो आशीष मिला है। आप लोग कितना कितना सुंदर हो लड़कियों, है ना? सुंदरता बदने के लिए तुम्हारा पापा ने अच्छा काम किया है, हैं? बताओ ना, ऐसा होगा तो वो काम कुछ करेंगे। मैंने एक लड़का देखा था, खुशबू ऐसा करते थे, मैं देखता हूँ ऐसा नहीं बना। एक पास्तु थी हमारा गांव की है, जर्मन में गए, जर्मन जानते हो, जर्मन विदेश है, सुंदर लड़कियों सुंदर आदमियों आत्मा कति स्तुति स्तुति गाना गाते हैं, वो तो नाटा थे, हमारा पादरी सीसा के जैसा थी, है ना? बराबर लोग भी है, मैं तो नाटा काली,
काला गुस्सा हो गई प्रभु से, प्रभु इतना मुझे क्यों घटिया बनाया, मुझे लुक इतना सुंदर लंबा लंबा बनाया, लड़की भी सुंदर लड़का भी सुंदर, मैं तेरे दास हूं, मुझे इस्तेमाल के लिए इतना अच्छा सुंदर बनना चाहिए था, कम से कम 6 फुट तक तो बना दे। प्रभु का वाक्य, तुम दंगे हो मेरे स्वर्ग में, मेरे स्वर बोले क्या क्या बोलते टिक्को क्या बोलते स्वर, स्वर में आपको नहीं बनाया दंगे हो। प्रभु का वाक्य सुनते समय तुम दंगे हो, स्वर में आपको बनाएगा, लोगों ने काके तुमको खा चुका होंगे, तुम दंगे हो। उसी दिनों से उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लेन करना बंद कर दे, वो बात है ना, कंप्लेन करना बंद कर दिया। धन्य प्रभु ने आपको इतना अच्छा चेहरा सुंदर प्रभु बनाया है ना, क्या कमी है बताओ, हाथ में किसी के पास 7 हाथ है, हमारा बिल्कुल कंप्लीट प्रभु ने दिया है ना। एक व्यक्ति ने बोला भैया तुम्हारा आंख इतना छोटा कैसे है, तुमने क्या देखा है, वही मैंने वही देखा है, तुम्हारा पास बड़ा मेरे पास छोटा है, जो हमने देखा वो मैंने भी देखा है, कुछ अंतर है, कुछ अंतर है ना। सच में प्रभु ने आपका बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, आमीन आमीन, बनाया ना, कुछ कमी तो नहीं ना, बिना काल में बनाएगा तो सुंदर होगा है, बनाएगा तो कहां कंप्लेन करने जाओगे। रिया आपका नाक इधर में, ये क्या बोलते है, नाक इधर में होगा चित्र होगा ना, कंप्लेन हमारे पास नहीं है, प्रभु ने जैसा बनाया वैसा अच्छा है, आमीन आमीन, जो प्रभु ने अच्छा बनाया है ना निशा है ना, ये दांत को इस तरफ निकल जाएगा तो। मेरे भाई बहनों धन्यवाद दे दो प्रभु को, अच्छा से बनाया है। आज का दुनिया में क्या होता है, लड़की पैदा होगा तो छोटा लड़का होना चाहिए, लड़की और लड़का बनाना तुम्हारा अधिकार है क्या, आज का हॉस्पिटल में जाओ समझ आए ना, हॉस्पिटल में जाइए, बहुत और लोग दिखा है लड़की पैदा होगा और लोग बहुत रोते हैं, क्यों रोते हो आदमी लोग पागल, अपने भी को दबाव करते हैं, तुमने ऐसा क्यों कर दिया क्यों कर दिया, अरे वो बनाने वाला थोड़ी हो बोला, धन्य है उसका हाथ पे बिल्कुल कंप्लीट प्रभु ने जन्म दिया है, आमीन आमीन, कंप्लीट विकलांग में पैदा करेगा तो क्या करोगे है, हाथ पे नहीं तो क्या करोगे, कहा कंप्लेन का कौन सी थाना में एफआईआर कर देंगे है ना। प्रभु ने आपको अच्छे से बनाया है, धन्यवाद, ये प्रभु का प्यार है, इसमें अपने चेहरा भी देखो, प्रभु का प्यार को आप महसूस करोगे, सच में बनाने वाला वो है, आमीन बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है, आमीन, उसने आपको सिर्फ भेजा आपको, मैं सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, आप भी बहुत सुंदर हो, कौन कौन अपने सुंदर नहीं कहता है बताओ, कौन कौन सुंदर अपने कहता है, सुंदर कौन कहता है, हाथ उठाओ, कौन कौन अपने सुंदर कहता है, धन्यवाद प्रभु को महिमा है, प्रभु ने आपको अच्छा से बनाया है, आपने अपने को खराब बोलेगा ना, प्रभु के वचन को हमने विरोध किया है, समझ आ रहे हो है, आपने मैं सुंदर नहीं बोलेगा तो हमने प्रभु के वचन को विरोध किया, भगवान ने जो प्रभु बनाया अच्छा बनाया है, प्रभु ने आपको अच्छा कहता है, आमीन आमीन, प्रभु ने आपको क्या कहता है, अच्छा कहता है, आमीन, मालिक ने मुझको अच्छा बनाया है, आमीन आमीन, सही है, मालिक ने मुझे अच्छा बनाया है, मैं बहुत सुंदर हूं, तुम लोग मेरे बीवी ने मुझे बहुत अच्छा बताया है, मेरे बीवी ने मुझे बहुत सुंदर कहता है, मुझे चुन लिया है, मैं खुशी हूँ, आपको किसी से क्या मतलब, तू नमक भी तेरे कम नहीं खाता है ना, प्रभु ने सुंदर बनाया, आपको भी सुंदर बनाया है, आमीन, प्रभु को महिमा करो, प्रभु का प्यार है ये, आपका चेहरा प्रभु प्यार है, आपने प्रभु प्रेरित करता है, इसलिए मसीह परमेश्वर का प्यार यीशु मसीह में प्रकट हुआ है, आप परमेश्वर के प्यार को अपने चेहरा में देख सकते हो, बाइबल में करते हैं यीशु मसीह के जन्म, क्यों आया यीशु मसीह, क्यों आया,
प्रकाशित भाग अध्याय 12 और 7 वचन हम देखेंगे। आज क्रिसमस का वचन है, ज्यादा समय ना लेने के लिए छोटी सी वचन हम पढ़ते हैं। प्रकाशित भाग अध्याय 12 और 7 वचन में हम देखेंगे, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, इसके बाद निकलना मुश्किल, 353 बताया हमारा भाई विष्णु ने, निकल लीजिए। हाँ, 353 नया नियम में है, कौन पढ़ेगा? 7 और 7, 8 फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूध उसके साथ गिरा दिए गए। मैं ये क्रिसमस के बारे में बताना चाहता हूँ। क्रिसमस क्यों आया? आकाश स्वर्ग में लड़ाई हुई है, कौन है? परमेश्वर का सेना और शैतान, जो इबलीस कहता है, वो शैतान के, वो पुराना सांप। सांप जानते हो सांप क्या होता है? सांप सांप तो है, सांप का मतलब शैतान का चिन्ह होता है, याद रखना है ना। हमारा आम आदमी का चिन्ह क्या होता है? जारू। बीजेपी का चिन्ह क्या होता है? कमल का फूल। कांग्रेस का चिन्ह होता है क्या है? हाँ ना, ये वैसा शैतान का चिन्ह होता है क्या है? सांप। शैतान का चिन्ह सांप क्या करता है? उसको संसार का भरमाने वाला काम करते हैं। इसलिए क्या है, आकाश में स्वर्ग में लड़ाई हुआ, मिकाएल के साथ लड़ते हुए और शैतान को हार गई और स्वर्ग में उसके लिए जगह ना मिली, तो क्या हो गई? पृथ्वी पर गिरा दिया उसके साथियों के साथ। उसके साथियों के साथ साथी कितना है? स्वर्ग दुख 100 में से 3 गुना बढ़कर 1 गुना को संसार में गिरा दिया है। समझ आ रहा है ना? 100 को 3 गुना बांटेगा तो कितना होगा? है 33 से भी ज्यादा, याद रखना उसको, है ना। इसलिए है उसके साथ गिरा गया। उस समय परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, याद रखना है करे। उस समय परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, ये प्रकाश में जमुना ने ये लिखा है। और आप देख सकते हो उपत्ति अध्याय 3 जेनेसिस, अभी जाएंगे पीछे से जेनेसिस, उपत्ति अध्याय 3 और 14 और 15 में पढ़ी है, ठीक है? 14 से नहीं, 13 से पढ़ लेना। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। क्या कहा उसने? सर्प ने मुझे, सर्प मतलब क्या होता है? सांप ने मुझे बेकार दिया। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाने के बाद मनुष्य बनाए, उसके नाम है आदम और हवा, है ना? समझ आ रहे ना? परमेश्वर ने अपने संतान के लिए बनाया था मनुष्य और अमनुष्य को, है कि नहीं? उसकी आज्ञा करने के लिए, अपने साथ संगति करने के लिए। और शैतान का परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला है वो, शैतान के अंदर में सांप, सांप के अंदर शैतान जाकर, शैतान ने उसको क्या करते, मनुष्य का परमेश्वर को बनाए, उसका बेटा बेटा को क्या करना है? खराब करवाना है कि नहीं? पाप में गिरा दिया परमेश्वर, परमेश्वर ने आदम और हवा बनाया, उसको पाप में गिरा दिया। अभी भविष्यवाणी शुरू करेगा परमेश्वर ने। 14:15 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर
मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। समझ आ रहे ना? जो सांप ने आदम को क्या है पाप में गिरा, बेकार दिया, पाप में गिरा दिया, इसका मतलब आकाश में शैतान की जगह नहीं है। जो परमेश्वर अपने संतान इस पृथ्वी में रखा दिया, वो उसको शैतान ने उसको गिरा दिया है कि नहीं? शैतान ने उसको गिरा दिया पाप में, मनुष्य को मृत्यु में डाल दिया। परमेश्वर ने कैसे बदला लिया? परमेश्वर के बदला को क्रिसमस हम कहते हैं। क्या कहता है? मैं तुम दोनों को फेरी उत्पन्न करूंगा, तुम्हारा मनुष्य लगते रहेगा। क्या है? प्रभु ने नया मनुष्य बनाऊंगा नहीं कहा उसने, इसी जो तूने गिराया है ना, जो औरत तूने पाप में गिराया है ना, इस औरत में से ही पाप किया, वो औरत के द्वारा मनुष्य निकल उसी ने आपको हरा देगा। कितना अच्छा बदला है ना उसको, है ना? समझ आ रहे ना? परमेश्वर ने जो तूने इस औरत को तूने गिराया है ना, उसी में से मनुष्य निकलूंगा, उसी ने हमको क्या करेगा, तेरा सिर कुचल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। समय होता गया। गलती अध्याय 4:1 हम पढ़ते हैं, 7 तक पढ़ना। गलती अध्याय 4। मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वह सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को बोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले बालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। समझ आ रहे हैं क्या वचन लिया उसमें? जो शैतान परमेश्वर से लड़ रहा था, शैतान हार गई, धरती पर गिरा दिया, धरती पर उसके राज करने लगा। वही राज में परमेश्वर ने एक वाटिका बनाकर, वाटिका के अंदर आदम और हवा को बना के रख दिया। वो परमेश्वर का कीमती चीज बनेगा ना, सारे अधिकार देने वाला वो परमेश्वर अधिकार है मनुष्य को, पूरा संसार तेरे अधीन में रहे। और शैतान उसको गिरा दिया, गिराने के बाद क्या हो गए? परमेश्वर भविष्यवाणी की है ना, सबसे पहले भविष्यवाणी ये है, क्या क्या जो तूने इस स्त्री को तूने गिराया है, उसी से वो वंश निकलेगा, तेरे सर को चल देगा। तो वही वचन क्या है, भविष्य क्या है, वचन पूरा हुआ। हालेलुया। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री में जन्मा, स्त्री से जन्मा, मतलब क्या है, जेनेसिस अध्याय 3:15 में क्या लिखा था, इसी स्त्री के वंश में से आपको क्या है, क्या कहा, सिर कुचल देगा। वो कुचलने वालों को इसी वचन में आया है, समय पूरा हुआ, जो परमेश्वर के समय को होते 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 हो क्या स्त्री के द्वारा यीशु मसीह जन्म लिया। आमीन। मैं कहना चाहता हूँ उसका अधिकार, अधिकार परमेश्वर मनुष्य को बनाया। अभी परमेश्वर ने मनुष्य को कहा पोस्ट में डाल दिया, मैं आपको काम दूंगा, मेरे घर में झाड़ू पोछा करो, अच्छी बात है,
मेरे घर खाना बनाओ वो अच्छी बात है, मेरे घर के सेक्रेटरी बनाओ वो अच्छी बात है। परमेश्वर ने क्या बनाया अभी? अपने पुत्र बना दिया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जन्म के द्वारा हम सबको क्या ले पादक परमेश्वर का पुत्र बन गया है। परमेश्वर ने आदम और हवा बनाया किस लिए बनाया? किसलिए बनाया था? आप बोल जवाब देते संगति करने के लिए, संगति और क्या अधिकार रखने के लिए पुत्रों को लेना। बाइबल में कहा यीशु मसीह का होने से क्या हो गई हमको? क्या हो गई? पुत्र। परमेश्वर का पुत्र प्रणाम कर, समझ जाते ना हम परमेश्वर का पुत्र हो गई। तो यीशु मसीह होने से समय पूरा हुआ, तो समय पूरा होने से क्या हम परमेश्वर का पुत्र होने के लिए यीशु मसीह को जन्म आया। आमेन। पहले उसके जन्म से पहले व्यवस्था का अधीन में थे, तो व्यवस्था का अधीन में भी यीशु मसीह जन्म लिया है। उसके जन्म होने से व्यवस्था से हमको अलग करके अनुग्रह का मतलब दया के द्वारा हमको पुत्रों के ना दिया अलग अलग, ताकि व्यवस्था के अधीन में को मोर लेकर छुड़ाए और हमको लेपालक होने का पद मिले। हालेलुया। लेपालक होने का पद का मतलब क्या होता है? अधिकार। हालेलुया। पद मिले और तुम जो पुत्रों हो, तो इसलिए परमेश्वर के अपने पुत्रों के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमेन। अभी हे पिता है पिता के पुकार सकते हैं यीशु मसीह के वजह से। आप और परमेश्वर कैसे मेल हो सकता है? मेल जो जुड़ने वाला है ना, जानते हो? देखो ये लकड़ है, ये टीना है, ये जोड़ने के लिए बीच में कौन है पता है? कौन सा गुमे? कील है। कील ने जोड़ दिया, दीवार बना दिया। नहीं होता तो ये दीवार ना होता, चक्कर बना देता। जुड़ने वाला क्या? कील है। वैसा परमेश्वर का पुत्र आपको जोड़ने के लिए क्या है? यीशु मसीह ने आपको जोड़ दिया। आमेन। जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि हो गया। आमेन। पुराना काम बीत गया, जो पुराना मनुष्य खत्म हो गया, मसीह में हम हो गया परमेश्वर का पुत्र हो गए, है कि नहीं? हम प्रभु नया बना दिया है, इसलिए हम क्यों ना हम क्रिसमस तो क्यों नहीं बनाए? बाइबल में तो नहीं उन्हें कहता है हम इस खुशी से मनाते हैं। आमेन। बर्थडे को कौन मनाते हैं? कौन कौन बर्थडे मनाता है? रिया बर्थडे मनाते ना क्या? अपने दोस्तों मिलने आए थे, मेरे बर्थडे में आना, मेरी चीज लेके आना, आपने कहा है? आप करते कौन कौन बातें बनाते हैं? निशा करते हैं अपने दोस्तों से, मेरे गिफ्ट लिया बोला था तुमने, आपने मेरा बर्थडे में आ जाओ, मैं केक कट लूंगा, आपने खुद खरीदा ना केक। मेरे दोस्तों ने क्या कर दिया? गिफ्ट देते हैं। वो अपने खुशी से, बर्थडे खुशी से होता है ना। हम क्रिसमस के मतलब हम अपने तौर से प्रभु की तरफ से हम बलिदान है, समझ आ रहे ना? हम अपने तरफ से इंसान को सिखाना पड़ता है, हम भी सीखना जरूरी है अपने तौर से। प्रभु ने आपके इतना उपकार किया, बताओ फिलिपियस 2 में लिखा है, वो मनुष्य परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के तुल में रहना इच्छा ना हो, है ना? गलतिया 2:6 में साफ लिखा है, मनुष्य के रूप बना दिया, दास के रूप में जन्म दिया है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये क्रिसमस आप और हमारे लिए है, ये परमेश्वर का असली प्रेम तो क्रिसमस है। परमेश्वर प्रेम 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 सुनता है, वो प्रेम को देखने लगे अभी यीशु मसीह में परमेश्वर का प्यार देखता है। आमेन। आप परमेश्वर का प्यार दे यीशु मसीह को देखो, सिर्फ तुम्हारा उद्धार करता नहीं है, है ना? तुम्हारा सब लेने वाला है। मत्ती अध्याय 1:25 में देखिए क्या लिखा है, 1:25 में क्या लिखा है, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। और देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी,
और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। क्या है? एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम ईश्वर अपना और इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमें उदार कर नहीं छोड़ा, उसने हमारे साथ रखा। तुम्हारा साथ है परमेश्वर। आमेन आमेन। कौन कौन अपना साथ? परमेश्वर है हमारे साथ, प्रभु है। आमेन आमेन। हर पर हर समय प्रभु हमको छोड़ता नहीं है। हमको बाइबल साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह जन्म हुआ तो तुम्हारा साथ परमेश्वर हो चुका है। आमेन आमेन। और आगे में लिखा है, जगत के अंत तक में तुम्हारा संग रहूंगा। हालेलुया। क्रिसमस के मतलब परमेश्वर हमारा साथ हो गया है, इसलिए क्रिसमस मनाते हैं। इतना ही कहें और आगे बढ़ू? बहुत ज्यादा बोलने की है आज के, इतना काफी करेंगे ना। इतना सोचते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। आप सोचते रहो,